माशाल्लाह, ये आज दोपहर की हो रही है तैयारी। अच्छा, ये हमें अच्छी तरह पता है, ये आपकी जो फ्रेंड है ना मिस फरा, जो आपकी ब्यूटीशियन है, जो आपकी बेस्ट फ्रेंड है, उनके लिए बन रही है बिरयानी और वो भी तहदार। वाह जी, जबरदस्त। आप डिस्क्राइब करें जी। मैं जब खाऊंगी तो डिस्क्राइब करूंगी ना। लुक तो बता दें। अच्छा, ये आप बनाती देगी हैं? बच्चा क्या है? अच्छा, आज मैं बैठे बैठे कह रही थी अपने हस्बैंड से कि ये हफ्ते में एक दिन बिरयानी का होना चाहिए। फिजा लोग हैं ना, मेरी बहन जो है, उनको हर फ्राइडे को उनकी बिरयानी बनती है जी। एंजॉय कर रही हूँ मैं। आज वैसे काफ़ी ज़बरदस्त बनी है बिरयानी, गरम गरम वैसे बड़ी अच्छी लगती है। पर ऐसे मैंने पूछा बिरयानी कैसे बनी है, कहती मैं रिव्यू, कहती उसमें दूंगी, ब्लॉग में बताऊंगी, कमेंट में बताऊंगी। अच्छा चले, अच्छी बात है जी, ताकि पब्लिक को भी पता चले, इंडिपेंडेंट रिव्यू देंगी वो। अच्छी बनी है। हैं हस्बैंड, अस्सलाम वालेकुम। और देखिए जी, और देखिए गुलाबों का मौसम है, गुलाब। हाँ जी, अच्छा आपने मेरी अम्मी के घर गुलाब नहीं देखे थे? हाँ जी, उनके घर 10-12 साल पहले के गुलाब हैं वो, माशाल्लाह वो कोई गुलाब है। अच्छा, मुझे भी गुलाब पसंद नहीं थे, क्योंकि ये फिर कभी लगते हैं कभी काटने पड़ते हैं, तो मुझे एक बार मैंने पढ़ा कि जो सल्लम की जो पसीने की खुशबू जो है ना, गुलाब की खुशबू के बराबर थी ना, यानी ऐसे लगता था जैसे उनकी खुशबू गुलाब की खुशबू है। तो उस दिन से गालबन हमें 7-8 साल गालबन हमें भी हो गए हैं, हमने मेलची में भी लगाए हुए थे, जहाँ भी हम उस घर में भी लगाए हुए हैं, तो इस नस्बत से गुलाब मेरी रिकमेंडेशन है। बल्कि वो जिसने जिससे मैंने सुना उसकी भी रिकमेंडेशन थी, जिसके घर में लान ना भी हो ना तो वो एक पौधा गमले में लगा लिया करें। तो हम भी यही कहते हैं कि गुलाब का एक पौधा इस नस्बत से लगा लें। माशाल्लाह, ये आज दोपहर की हो रही है तैयारी। अच्छा जी, हमें अच्छी तरह पता है, ये आपकी जो फ्रेंड है ना मिस फरा, जो आपकी ब्यूटीशियन है, जो आपकी बेस्ट फ्रेंड है, उनके लिए बन रही है बिरयानी और वो भी तहदार। और वैसे हमने रेसिपी डाली हुई है इनकी, इसलिए हम आज सिर्फ ये बता रहे हैं, हम एट्रीब्यूट पेश कर रहे हैं जी, इनकी जो फ्रेंड है और मिस फरा वो आ रही हैं आज मुजफ्फरगढ़ से मुल्तान। प्याज जी ब्राउन कर लिए हुए हैं इन्होंने, और ये इन्होंने देखें सारा चीज़ बनी हुई है, ये पिकल भी पड़ा हुआ है माशाल्लाह। इंग्रेडिएंट्स आप चेंज नहीं करती है ना, ये माशाल्लाह घूम भी रही हैं और बना भी रही हैं। और कहती हैं जी आज मैं बड़ी खुश हूँ, इनकी अलग हमारी अलग, यानी इनको आप ये कहते छेड़े ना। अच्छा वाह जी वाह, इसे कहते हैं मोहब्बतें हैं, पक्की मोहब्बतें हैं आपकी उनसे। आप बसिल के लिए प्रेजेंटेशन को ख़राब नहीं करना चाह रही हैं ऐसे। अच्छा, हैं देख रहे हैं जी, इंजॉय कर रही हैं माशाल्लाह। ये मट्टी खोती रहती हैं लेकिन क्यारियों का सतिया नाश तो कर ही देती हैं, लेकिन क्या करें, इनकी खुशी इसी में मिलती है इनको जी, और हम भी इनकी खुशी की खातिर इंजॉय करते रहते हैं। हम भी कहते हैं चलें कोई बात नहीं, दोबारा मट्टी ठीक कर लेंगे। मैं ज़रा अंदर गया था जी और अहमद साहब को बैठा के गया था कि आप ज़रा लॉन में बैठें, ऐसा ना हो कि बिल्ली इन पर अटैक कर दे। बिल्ली आई तक नहीं है जी, बिल्ली इस वजह से नहीं आई कि अब वो डर गई है कि मुझे आने नहीं देते ना, तो जूँ ही आते हैं ना हम उनको ज़रा डरावा देते हैं कैट को, तो फिर वो भाग जाती है। बिल्ली को ही पता चल गया है कि हैंस की वजह से इस लॉन में उसकी जो है नाकाबंदी हो चुकी है। और ये है जी फाइनल लुक जी, ये वो वाली बिरयानी है, बिरयानी नंबर 1 जो हमने मिस फरा को भिजवानी है जी, बिल्कुल रेडी है। और अभी मिस सोहिना उनको भिजवा रही हैं जी, और कहते हैं बंडल ऑफ लव के साथ भिजवा रही हूँ जी, टोकन ऑफ लव के तौर पे भिजवा रही हूँ। कहते हैं जी पहले मेहमान और फिर मेज़बान, और ये अब घर के लिए बिरयानी शुरू हो चुकी है, रेसिपी बिल्कुल उसी तरह है। कहते हैं जी आप टेंशन न लें,
सेम रेसिपी बनाऊंगी आपके लिए भी और आपको मजे करवाऊंगी ऐसे जरा बोल दे जरा। अच्छा अच्छा जी जी, बल्कि मैंने उनके अंदर थोड़ी मिर्चें कम रखी हैं, उनके ज़रा मिर्चें कम खाती हैं, हम लोग ज़रा मिर्चें ज़्यादा खाते हैं बिरयानी में। हाँ जी देख लें जी, इसलिए फिर मैंने कहा चले इस सुना ने गेस्ट की सारी पसंद और नापसंद का ख्याल बिरयानी बनाते हुए रखा है। हाँ जी जी, बैक एंड दिखा देते हैं जी आपको, देख लें कुछ खास नहीं। नहीं अच्छा, मुझे तो ये कलरफुल बड़ी अच्छी चीज़ें लगती हैं, नेचुरल होती हैं। नहीं गिगान थोड़ी होता है, लेमन काटना, ग्रीन चिल्ली काटना, ये देख लें टोमेटो काटना, ये अनियन किए पड़े हुए हैं जी, और ये आलू बुखारा पड़ा हुआ है जी, इमली पड़ी हुई है, अनियंस पड़े हुए हैं सारे, बड़ी मज़े की चीज़ें हैं जी। कलरफुल सा देखें जी, राइस बॉयल कर रही हैं साथ, चिकन हो रहा है। मेरे ख्याल में ये 45 मिनट्स में बिल्कुल करेक्ट जा रही हैं, जो ये टाइम देती हैं उसी टाइम पे बन जाते हैं, इनका रिकॉर्ड है ये। ये ये देखो, ये मैं आपकी मामा की खिदमत कर रहा हूँ, मिस सुहिना की। आपकी तो कार ही कर रहा हूँ, लेकिन स्पेसिफिकली किसकी कर रहा हूँ, मिस सुहिना की, सुबह से लगी खड़ी है वो। और वैसे हमें वैसे इश्क भी है उनसे, जरा तो इजहार के लिए भी बंदा काम करता रहता है, इन्हें तो बहुत ज्यादा। ये जी जा रही है मम्मा की तरह डाल रहा हूँ, इसको कहते हैं जी ब्लैक साल्ट, काला नमक। अब स्पून चले जी यहाँ से उठाते हैं, इसको यहीं पे कर देते हैं जैसे। आप तो हमारी मोहब्बतों का अंदाजा हो चुका है कि नहीं हो चुका आपको? आपको मेरी मोहब्बत का अंदाजा हुआ है? ओए होए होए यार, उसी का तो कर्ज उतार रहा हूँ मैं, मोहब्बतें कर करके। चलिए आप मेरे कर्ज उतार तो मैं आपके कर्ज उतार। चलो फिर तो माशाल्लाह जिंदगी अच्छी गुजर जाएगी ऐसे कर्ज उतारते उतारते। हमें तो कर्ज भी चाहिए, पैसा भी चाहिए, सब कुछ चाहिए। पैसा तो है ही आपका जाहिर है। एक बात है, आप ना व्यूअर्स कह रहे हैं 100 रुपए से मेरी ना जेब खर्च बढ़ा दें, कहते हैं तो आजकल तो बच्चे भी नहीं तो भाई वो बढ़ा दें भाई, मेरी भी पॉकेट मनी नहीं देते ये मुझे। ये देखें जूस पिला रहे हैं जी, दिखाएं जी जरा, दिखा दें पीछे खड़ी है पीछे भाई, आप काम कर रही है इसमें फिर क्या है, सर में दर्द है, सर बैठे हो जाती है बंदे को, सर में दर्द है, दो पी लें दो पकड़ लें। अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह यार, चलो किचन में खड़े हैं तो जाहिर है वो बिरयानी बन रही है और मसालेदार स्पाइसी बन रही है, मज़ेदार जी, ज़बरदस्त है ये बिरयानी नंबर 2 बन रही है जी। और इतनी जल्दी जल्दी देखें किस पोजीशन पे आ गई है, अभी मेरे ख्याल में 15 मिनट भी नहीं गुजरे, गेस्ट भी तो आ रहे हैं ना, गेस्ट भी आ रहे हैं माशाल्लाह, किसकी खिदमत हो रही है। ये माशाल्लाह जी हमारे घर की बाजी जो इतनी खिदमत करती हैं हमारी सारा दिन, ये उनके लिए है जी। बाजी को लगता है यहीं बुलाना पड़ेगा वरना गिर जाएगा। बाजी भाई वो हमारी फैमिली मेंबर की तरह हैं जी। बिल्कुल जी, हमारी बहनों की तरह हैं, बाजी हैं हमारी, इसलिए हम उनको कहते ही बाजी हैं। हाँ, सब बाजी कहते हैं छोटे बड़े। हाँ जी, वाह जी जबरदस्त, आप डिस्क्राइब करें जी। मैं जब खाऊंगी तो डिस्क्राइब करूंगी ना, लुक तो बता दें। अच्छा ये आप बनाती देगी बच्चा क्या है? अच्छा आज मैं बैठे बैठे कह रही थी अपने हस्बैंड से कि ये हफ्ते में एक दिन बिरयानी का होना चाहिए, फिजा लोग हैं ना मेरी बहन जो है उनको हर फ्राइडे को उनकी बिरयानी बनती है जी, हर फ्राइडे को। अच्छा ये आप जिस दिन फिक्स कर देंगी ना ऑनलाइन, मेहमान उस दिन घर भर जाएगा हमारा हाँ जी, जुम्मे या सैटरडे या संडे पे बिरयानी बनी है, जल्दी पहुँचो यार, क्या कमाल बनाई है वैसे, दिल खुश कर दिया है। ये सिर्फ आपकी मोहब्बत है, ऐसे यकीन करें अगर मोहब्बत ना हो ना फैमिली के लिए या किसी के लिए भी, इस तरह की चीज़ नहीं बन सकती। हाँ ये तो ठीक है, सीखता इंसान सिर्फ अपने हस्बैंड की मोहब्बत के लिए, बच्चों की मोहब्बत के लिए सीखता है। अब क्या फरमा रही थी, क्या हमें तकरीर कर रही थी? सीखता इंसान सिर्फ और सिर्फ हस्बैंड की मोहब्बत की वजह से ही सीखता सब कुछ। इतनी मोहब्बत ना क्या करें, हम तो कहीं निकल नहीं सकते। हम तो कहीं जा नहीं सकते, कहीं खाने पे जाएं कहती जल्दी आए, मैं आपका इंतजार कर रही हूँ खाने पे। हाँ जी जी, हाँ जी, बता मैं अपनी अम्मी की कुछ बात करी थी, मेरी अम्मी से किसी ने इंटरव्यू ले तो मुझे क्या बताने आता था, शायद से पहले वो आपको मेरे ना एक बताएंगे कि इसको कुछ भी नहीं बनाने आता था। हाँ जी हाँ जी, ये बिल्कुल सही कह रही हैं जी, सारा कुछ उन्होंने बाद में सीखा मोहब्बतों में। सुहीने का डेरा जी आबाद हो चुका है, ये देखिए ये सुहीना का डेरा, मैं सुहीने कहता हूँ, हालांकि है सुहीना का डेरा।
ऐसे ही लगता है। ये देखें जी माशाल्लाह बिरयानी आ चुकी है और ज़बरदस्त बिरयानी आ चुकी है जो कि हम आपको पहले दिखा भी चुके हैं। 1000 की हाफ प्लेट है, आप 100 के चक्कर में पड़े हुए। ये देखें जी माशाल्लाह, ये डेरा इसे कहते हैं जी, देख लें, इसका नाम है जी सुहीना का डेरा। सुहीना की वजह से हमने इस डेरे का नाम भी रख दिया है। और कितनी अच्छी खुशबू, अच्छा ओपन एयर है फिर भी खुशबू नाक में घुस गई है। हाँ जी जी, खूबसूरती देख लें जरा। ये लें जी, ये हसन साहब को मिल चुकी है, अब अहमद साहब की तैयारी जारी है। ब्लॉग बन रहे हैं, राइस डाल रही हैं जी, अपने डाल के फिर आप मेरे डालें। अच्छा मेरे डाल रही हैं जी, आ जाओ। ये देखें जी हुसैन साहब आ रहे हैं, ये मैच से फुर्सत भी नहीं है, ब्रेक आ गई है फिर भी अब्दुल्ला से चीख चीख के बातें कर रहा है। बस बहुत ज़्यादा अच्छा, ज़रा थोड़ा टोमेटो ज़रा सेट तो करके दें। हाँ जी ऐसे ऐसे, ये देखें जी ज़बरदस्त जी माशाल्लाह, चिट चैट हो रही है जी। हाँ जी हाँ जी बिल्कुल, इंशाल्लाह यकीन करें टाइम नहीं है वरना डेरा खुलना है किसी दिन इंशाल्लाह। आपके जो खाने हैं ना, मुझे आपको भी बहुत शौक है और मुझे भी बिजनेस का बहुत शौक है, तो ये स्किल्स जो है ना इसको यूज़ करना चाहिए। बिरयानी नहीं बनाई भाई, रिव्यू नहीं लगी, रिव्यू दे दें आप, बड़ी ही मज़दार चटखारादार। मुझे मेरी शक्ल देख के आप रिव्यू दे दें? नहीं मैंने खाई है ना इसलिए। कमाल है, चटखारेदार है, मज़ेदार है, कमाल हो गया। देख रही है दही के बगैर कुछ भी ऊपर नहीं, हम इतनी मज़े की बनी हुई कि हमें हमारा दिल करे कि बस ऐसे ही हो। 201 मसाला डालना पड़ा अभी भी। ये देखें जी, ये देखें, खा लें आप जल्दी जल्दी। इंजॉय कर रही हूँ मैं। आज वैसे काफ़ी ज़बरदस्त बनी है बिरयानी, गरम गरम वैसे बड़ी अच्छी लगती है। इस सुहीना मुर्गियों के साथ मुहब्बतें करते हुए कहती हैं जी इनको भी बिरयानी खिलाऊंगी, थोड़ी सी बिरयानी खिला रही हैं और थोड़ी सी हड्डियाँ डाल रही हैं। मुर्गियों को शौक से खाता देख कर रिव्यू तो मिल ही गया होगा कि बिरयानी कितनी मज़ेदार है। माशाल्लाह, या चाय पी रही हैं बिरयानी खाने के बाद और अपने मोबाइल पर ज़रूर कोशिश करती रहती हैं कि कमेंट किसी को दे दें, किसी को रिस्पॉन्ड कर दें, कुछ सुन लें, कुछ अच्छी बातें। अभी हदीसें पढ़ रही थी तो कुछ ना कुछ लर्न करती रहती हैं। बिरयानी के बाद चाय से इंजॉय करी थी, आपने रेवड़ियाँ भी खाई हैं, व्यूअर्स को आपने दिखाने नहीं दी। दो खाई हैं आपने और मेरे लिए लेके आई हैं 10-12 पैकेट लेके आई थी। 10-12 के बाद मैंने कहा बाजी ले जाएं, कुछ ना कुछ हो जाएगा, ये तो मैं सारा पैकेट ख़त्म कर जाऊंगा। कैसे परफेक्ट खाना नहीं हो गया आज? हैं माशाल्लाह, मैं तो कह रहा हूँ माशाल्लाह परफेक्ट हो गया है जाना, प्यार भी नहीं जताने देती, कमाल है वैसे आपका। कल आप कहाँ लेके जाएंगे हमें? जहाँ आप कहें, मैं आज भी चलते हैं शाम को। हाँ जी कल भी, आज भी चलते हैं कल, माशाल्लाह वैसे ही। कैसे आप ही देखें, दो दिन अगर आप लोगों ने आलू शोरबा खाया है, गोटियाँ तो मैं खाता ही नहीं होता ना पहले। हाँ गोश्त था उसमें माशाल्लाह, गोश्त तो सफिशिएंट था। मैंने आपके देखे, आपको कल मैंने चिकन पराठा नहीं, कबाब पराठा रोल बना के दिया, आज मैंने आपको बिरयानी बना के दिया, अब किस दिन इंशाल्लाह चाइनीज खाना बनाएंगे? ठीक है, किसी दिन क्यों, अच्छा चलो बहुत जल्द जब भी फुर्सत होगी। चाय पी रहे हैं जी, इनको बड़ा शौक है, थक तो मैं जाती हूँ बाहर बैठ के, मज़ा आ रहा होता मुझे, ये नहीं कि मैं हाँ भाई मैं बाहर बैठी हूँ, थोड़ा अच्छा है माहौल और देखिए जी बिल्कुल देहाती माहौल नहीं होता। मैं तो दिल करता यहाँ पे एक भैंस ही वहाँ पे खड़ी हुई रही, यहाँ पे मैंने देखो कि दफ़ा कि यहाँ पे एक भैंस हो, 3-4 बकरियाँ हो, पता नहीं मुझे क्यों शौक है तो मुझे भी बड़ा शौक है तो, लेकिन मैं थक बहुत जाती हूँ बाहर बैठ बैठ के, लेकिन फिर भी मैं बैठी रहती हूँ। आप अंदर लिफ्ट कराती हैं? हाँ मैं दूसरे रूम में होती हूँ, फोन पे बात कर रही होती हूँ अम्मी से, तहसील से, आपने काम में लगी खड़ी रही होती है। यहाँ पे मैं आपको सिर्फ देख सकता हूँ, यहाँ पे आप सिर्फ मुझसे बातें करती हैं। हाँ जी मुझे इसलिए मज़ा आता है, आपको जबरदस्त बिठा देता हूँ, आए जी गपशप करें।
ये आई ड्राफ्ट डलवा रहा है जी हसन, देख लें। वैसे तो मैं भी मसूइना से ही डलवाता हूँ, क्योंकि ड्राफ्ट डालना ज़रा आँखों में ज़रा मुश्किल होता है ख़ुद से। डेरा अभी तक आबाद है, बिरयानियाँ खाई जा चुकी हैं, चाय पी जा चुकी है, लेकिन हम दोनों बैठे गप्पे हाँक रहे हैं। पर से मैंने पूछा बिरयानी कैसी बनी है, कहती मैं रिव्यू, कहती उसमें दूंगी, ब्लॉग में बताऊंगी, कमेंट में बताऊंगी। अच्छा चले, अच्छी बात है जी, ताकि पब्लिक को भी पता चले, इंडिपेंडेंट रिव्यू देंगी वो। हम जा रहे हैं जी अपने, मैं अपने कपड़े उठाने जा रही हूँ, देखते हैं जी कैसे सिले हैं मेरे कपड़े। एक अभी एक ही सूट सिला है जो मैंने सोनिया जरी हाउस पे दिया था, बाकी तो दो सूट मैंने सिले ही नहीं। एटीएम मशीन से पैसे निकलवा के आ रही हैं जी। आ चुके हैं जी हम कैंट। हाँ जी जी, ये देखिए सोनिया जरी कैंट हम पहुँच चुके हैं जी। सूट उठा लिए मैंने अपने जी, कपड़े उठा लिए हैं, अब हम अपने घर जा रहे हैं जी खैर से। और आप बताएं कैसा आपको फील हो रहा है? बड़ा मज़ा आया जी, माशाल्लाह आपकी खिदमत करके हमें खुशी होती है। मैं मुझे ये तो पूछने की बात ही नहीं है, कुछ खाना है तो बताएं। नहीं नहीं, खुदा का खौफ करें। नहीं, स्वीट डिश तो आप खाती नहीं है, वरना आइसक्रीम खिला देते आपको। ये बड़ी अच्छी तरह दिखा दें, क्लिनिक्स हैं जी कैंट में। अच्छा, मैं खुद जी, मुझे वो मेडिकल स्टोर बहुत अच्छे लगते हैं, इनका बिजनेस भी बहुत अच्छा लगता है, तो ये मुल्तान में मेरे ख्याल में सबसे अच्छा और अट्रैक्टिव है जी। ये नया नया खुला है जी, अल्लाह इनकी रोजी में बरकत दे। आमीन आमीन। मेरे अनारों का जूस पिला रही है जैसे मैं पी रहा हूँ और आप नहीं। देखे जी, ये है मेरा जूस। ये बड़ा गिलास है हमारा। हमारी देखे कुर्बानियां हैं, थोड़ा सा पी के मिसेज के लिए रख दिया, दूसरा अपना गिलास भी ये देखे, ये अपना ये पी रही हैं। ये देख ले अपना पी रही हैं, मुझे कहती है अपना जूठा मुझे भी दे दे, मैं कहा हाजिर। इससे भी बड़ी कोई बात है। अच्छा, आप कैमरे में आ गए तो वापस कर रही है, पीने कोई मसला नहीं है।